नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं, ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। इस संदर्भ में आज लेकर आए हैं आज आपके लिए लेकर आया है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग सशक्तिकरण में एक और नया जिला लेकर आया है, जिसका नाम है बुरहानपुर। बुरहानपुर जिले में भी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग में भर्ती निकली है, तो उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जिला बुरहानपुर में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग सशक्तिकरण में निकली भर्ती के बारे में विस्तार से। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कार्यालय कलेक्टर सामाजिक एवं न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला बुरहानपुर 4/9/2023 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका था दोस्तों। इसकी लास्ट तारीख जो आपको है वो बता दूं 15/9/2023 है, और पूर्णतः ऑफलाइन आवेदन ये रहेगा, ठीक है। इसके ऑनलाइन आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, पूरा ऑफलाइन रहेगा। या तो आप खुद से जाकर दे सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। पहला यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का पद है दोस्तों, जिसमें आपको 20,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और यहाँ पर उसकी शैक्षणिक योग्यता आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सीनियर आर्थोटिस्ट का पद भी आपको 20,500 रुपया देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आर्थोटिस्ट टेक्नीसियन का पद देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 16,000 रुपये सैलरी में देखने को मिल जाएगी। मोबिलिटी इंस्ट्रक्चर का पद देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 14,500 रुपये सैलरी मिलेगी। वेकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट का आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 14,500 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद से स्पेशल एजुकेटर का पद देखने को मिल एडुकेटर का पद देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 16,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर आधारित है, केवल एक वर्ष के लिए यह वैकेंसी रहेगी। किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस पर किसी की भी सेवा समाप्त की जा सकती, एक वर्ष पश्चात सेवाएं संतोषप्रद, मतलब आपकी सेवाएं अगर ऐसा लगता है कि नहीं आपने बहुत अच्छे से काम किया है, तो आपको आगे भी सेवाएं बढ़ा दी जा सकती है, सेवा में पुनर्वृद्धि की जा सकती है। चरित्र सत्यापन में अयोग्य पाए जाने पर बिना सूचना के नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में अयोग्य घोषित किए जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। नियुक्ति व्यक्ति के शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं संबंधित प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि या गलत पाए जाने पर सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। नियुक्ति आदेश आने के 15 दिवस के भीतर अगर आपने कार्यभार नहीं संवारा, तो आपकी जो है नियुक्ति स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी। चयन सूची की वैधता केवल एक वर्ष के लिए होगी। सभी के पास अपना रोजगार पंजीयन आवश्यक होना चाहिए। संविदा पर नियुक्ति संविदा कर्मी को 100 रुपये के नॉन डिजिबल स्टाम्प पर संबंधित नियुक्ता के साथ कारनामा प्रस्तुत करना होगा। लास्ट तारीख जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15/9/2023 है। ये आवेदन आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, और इसमें आपको भेजना कहाँ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बुरहानपुर से संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के रूम नंबर 45 में प्रस्तुत करें। लिफाफे पर जिस पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम उल्लेख स्पष्ट रूप से लिखें। या तो आप खुद जाकर दे सकते हैं या फिर आप पोस्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। बात कर लेते हैं आवेदन पत्र की, तो आवेदन पत्र दोस्तों आपको सबसे लास्ट में जैसे कि मैंने बोला आवेदन पत्र का प्रारूप, यहाँ पर आपको आवेदन जिस प्रकार से आपको जानकारी मांग रहे हैं सेम जानकारी आपको भर देना है, और जो पता आपको बताया गया है उसमें आपको भेज देना है। लगभग लगभग ये अभी लगभग 15 जिलों में ये वैकेंसी निकल चुकी है, तो यहाँ पर हम जैसे ही कोई जानकारी अपडेट आता है हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।